चार लगाने, एक दिन का पेंट्री का चार्ज होता है 35,000 रुपया रेल को देना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, फिलहाल मैं आपका स्वागत करता हूँ गोंदिया जंक्शन से, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और आज हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 15232 गोंदिया बरौनी मेल, जो कि गोंदिया से चल के बरौनी को जाती है। तो फिलहाल हम लोग गोंदिया से बोर्ड करने वाले हैं और डिबोर्ड करेंगे छपरा तक, मतलब छपरा तक ही जाना है। तो चलिए इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। ये रहा गाइस गोंदिया जंक्शन का बाहर का नज़ारा, कुछ इस प्रकार से काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो गाइस जर्नी की शुरुआत करने से पहले थोड़ा यहाँ से खाना खा लेते हैं। यहाँ पे IRCTC का फूड सेंटर है, तो वहाँ से मैंने वेज थाली ऑर्डर किया है। तो पहले आता है, दिखाते हैं और कितने का पड़ा है, हर चीज़ आपको बताते हैं। कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का, अभी हमने ऑर्डर दिया है वेज थाली का। तो गाइस ये अपनी थाली आ चुकी है, जिसमें दो रोटी है, एक मिठाई की जगह पर सोन पापड़ी है, चावल है और ये दाल सब्जी और एक सलाद। चावल की क्वांटिटी अच्छी है, बाकी खा कर देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके लग चुके हैं। यहाँ से इसका खुलने का टाइम 9:15 है, एक घंटा पहले ही आके लगा दिया गया है। तो फिलहाल आज हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं स्लीपर क्लास में और अपना कोच है S9 में 67। चल के आपको दिखाते हैं। तो ये रहा S9 और सीट है अपना 67। अपर बर्थ 67, यहाँ पे अपना बैग भी रख दिया है, अपर बर्थ है अपना। बाकी अभी कोच पूरा खाली है, अभी एक घंटा टाइम है यहाँ से निकलने में, तो अभी लोग आएंगे और भी। साफ सफाई तो पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं पानी वानी सब फिल हो चुका है। वैसे मैं इस ट्रेन के बारे में बता दूं तो ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1522 किलोमीटर 35 घंटे 15 मिनट में। इसका स्पीड कम है क्योंकि ये ICF कोच है, मैक्सिमम स्पीड इसका 100 किलोमीटर पर आवर ही है, तो इसी के लिए थोड़ा स्लो चलती है। बट इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, आप लोगों ने कमेंट में बार बार कहा कि भैया गोंदिया बरौनी का ब्लॉग बनाइए। तो लीजिए, आपके सामने गोंदिया बरौनी का ब्लॉग भी हाजिर है। बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको। फिलहाल एक घंटा और टाइम है, उसके बाद से अपनी ट्रेन यहाँ से चल देगी। और फिलहाल इस ट्रेन में एक अपडेट किया गया है, वो ये है कि इसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जो कि अभी इन दिनों डाइवर्टेड रूट ही चल रहा है इसका। सीधा यहाँ से खुलेगी तो कटनी जाके अपने ऑफिशियल रूट से चलेगी, कटनी से इसका ऑफिशियल रूट चालू होता है। तो आज भी इसका रूट डाइवर्ट है। तो आपसे यही कहना है कि अगर इन दिनों में आपको इसकी ट्रेन से जर्नी करना है तो प्लीज़ एक बार चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका रूट डाइवर्ट हो रहा है डेली के डेली और उसी दिन इसको अपडेट किया जा रहा है। अभी खुलने से 15-20 मिनट पहले इसको अपडेट किया गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से खुलने के बाद सीधा छत्तीसगढ़ नहीं, सीधा MP में जाके कटनी में मिल जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी खुलने का टाइम हो चुका है, डिपार्चर दिखाते हैं आपको। और भाई साहब, सीन ये हुआ, जब हम स्टेशन पे IRCTC फूड काउंटर पे खाना खा रहे थे तो हमने वेज थाली ऑर्डर किया था, जो कि 80 का पड़ता है। रेलवे के हिसाब से हर खाने का फिक्स प्राइस है, तो वो 80 का पड़ता है। तो उन्होंने कहा 100 रुपया थाली, 100 रुपया दाम है एक वेज थाली का। तो मैंने बोला कि 80 का है, तो वो माने नहीं भैया, 100 का 100 का। मैंने ठीक है, बैठ गया खाने के लिए। उसके बाद मैं जब खा के बिल मांगा, बीच में वो बिल की बात थी खाते समय ही, तो उन्होंने कहा नहीं भैया बिल तो नहीं दे पाएंगे। और उसके चलते मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये वीडियो बनाते हुए देख करके कहा कि भैया आप एक्स्ट्रा में सब्ज़ी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, बिल वाली मशीन हमारी ख़राब है, उसके बदले आप चावल सब्ज़ी जो लेना चाहे ले सकते हैं। अब बताइए, वीडियो के दम पे वो मुझे चावल एक्स्ट्रा दे रहे हैं, रोटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन बिल नहीं दे सकते हैं। बिल अब हर प्लेट पे 20 रुपया वो हर आदमी से, हर कस्टमर से कमा रहा है, 80 का थाली 100 में बेच रहा है। इसके लिए अब हर, ये यहाँ की बात नहीं है, हर जगह का बात, हर कोई कहीं 20 रुपया कहीं 30 रुपया एक्स्ट्रा उस पर चार्जेज रख करके कमाते हैं। तो इस चीज़ को मैं भी, हमारे VS मोनू भैया काफ़ी सारे मतलब सुधार परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं ना होगा, हर किसी को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम भी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं जितना हो सकता है अपने से। आप लोग भी जागरूक होइए, वेज थाली जो भी ऑर्डर कर रहे हैं IRCTC से, तो उसका फिक्स प्राइस है 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ ही दीजिए। तो गाइस पूरे 1 घंटा 50 मिनट डिले के बाद अपनी ट्रेन गोंदिया से खुल चुकी है,
भाई साहब इतना लेट यहीं से चलिए। जब सीधा मिलते हैं आपसे सुबह में, वैसे भी इस ट्रेन का रूट डाइवर्ट है तो बीच में कहीं रुकेगी नहीं और यहाँ भी रुकेगी, सुबह में आपसे उठ के मिलते हैं। 2000 years later। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 9 बजने वाला है और फिलहाल मैं कटनी जंक्शन से 13 किलोमीटर पीछे एक निवास स्टेशन है, वहीं पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। इसका रूट डाइवर्टेड है, नहीं तो ये दूसरे रूट से जाती है, ये पूरा छत्तीसगढ़ कवर करते हुए फिर मतलब MP में जाती है, लेकिन अभी रूट डाइवर्ट होने के कारण अभी इधर ही 1 घंटा से यहाँ पे निवास स्टेशन पे रुकी हुई है। कटनी सपोर्ट करिएगा, नहीं कटनी के बाद मंगाते हैं, हर स्टेशन हमारा बांधा हुआ रहता है खाना का सब कुछ का, जो जो सामान मंगाते हैं वहाँ से आ जाता है हमारा। वेज थाली कितने का? 130 का आएगा। नहीं अभी इसमें पेंट्री कार नहीं है, अभी बस कंपनी हम लोग को के भी नहीं देख रखा है, सामान वामान ले रखने के लिए सोने के लिए पेंट्री कार नहीं लगेगा, पेंट्री कार सवारी नहीं चल रहा, पेंट्री कार लगाने एक दिन का पेंट्री कार चार्ज होता है 35,000 रुपया रेल को देना पड़ता है, यहाँ 35,000 रुपया सेल होता है, तब रेल को देगा कि कंपनी रखेगा। सबसे घटिया गाड़ी है ये। अभी हमने लिया है भजिया, ये मुझे 20 का पड़ा है, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। तो गाइस पूरे आधा घंटा डिले के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कटनी जंक्शन पे, और कटनी जो है वो MP में पड़ता है आप सभी को पता होगा, और रूट डाइवर्ट होने के चलते यहाँ पे आधा घंटा डिले हो चुका है। यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे पानी वानी सब फिल किया जाएगा, साफ सफाई सारी की जाएगी, और 10 मिनट बाद हम यहाँ से डिपार्ट करके हमारी ट्रेन